तो हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ। और आज जो हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो सारी जानकारी आपको इंस्टाग्राम पे मिल गई होगी, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है। अगर जो लोग नहीं कर रहा है वो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी बारिश का मौसम है, काफी अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे बेसमेंट बोलेंगे ना, पार्किंग एरिया, वहाँ पे हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं। और हम लोग ने साथ में लिया है अपना छाता। ये छाता आपको नजर आता होगा, देखो यहाँ पे, रुकना चाहे दो मिनट, यहाँ पे आपको छाता नजर आता होगा। और इसके बाद अभी हम लोग बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद हम लोग को कुछ कुछ सामान लेना है। वो सामान आदर्श भाई जानते हैं। आदर्श, क्या क्या लेना है अपने को? चिकन लेना है, राइस लेना है, बहुत सारी चीजें लेनी है। और एक बात बता दे रहा हूँ मैं, आज कुछ हम लोग बनाने वाले हैं, और मतलब जो भी आप लोग को देखने मिलेगा। और सबसे पहली वाली जो बात है वो ये है कि आदर्श आज चिकन बनाने वाला है, खुद बनाएगा। मेरे को चिकन बनाने की सिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, चिकन का कलर देखने के बाद कुछ मतलब क्या कलर कैसा बने। तो देखो, हम लोग को तो लगता है कि आदर्श नहीं बना पाएगा, पर पता नहीं, ये भी एक थोड़ा हल्का सा चैलेंज है। क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया था, हमने बोला कि चिकन कौन बनाता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। ये आदर्श बोलता है मेरे को आता है, मैं इतना अच्छा बनाऊंगा कि लड़की फेल है। मतलब बोलता है शेफ, जो शेफ रहेगा वो फेल है। तो देखते हैं फिर आदर्श भाई कैसे बनाते हैं। तो आदर्श भाई ने हम लोग को सामग्री बताई, क्या बोलते हैं सामग्री? सामग्री, तो सामग्री में क्या क्या बताया था तुमने? चिकन लगेगा और राइस लगेगा और ये सारी चीजें लगेगी। और उसके बाद जो भी हम लोग बनाने वाले हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियोस देखते रहो। और इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती करने वाले हैं, और थोड़े बहुत हम लोग प्रैंक शूट करेंगे, ब्लॉग शूट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरा बारिश एकदम मतलब इतना मजेदार है ना, कि इसमें कुछ गर्म ही खाने में मजा आता है। देखो, छाता भी हम लोग लिया है, और वो छाता देखो कितनी बड़ी है। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे बारिश देखो कितनी है। ये देखो, बाप रे बाप, है ना, कितनी बारिश है। देखो ना भाई, मेरे को लगता है आधा सब डूब गए रहेंगे, बहुत बारिश है वहाँ पे। आप लोग देखोगे ना पूरा हमारे भाई, सच्ची 26 जुलाई है। अरे बाप रे बाप, मतलब इसलिए ये अपना कहर दिखा रहा है। दिन से नहीं गिरी, आज गिरी ना बारिश, सोचो। और बहुत गिर रही है, ऐसा नहीं कि थोड़ी गिर रही है, देखो ना पूरा एकदम फवारा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं हम लोग को कुछ। और अच्छा, अपने को मिलेगा कि नहीं सामान? इतनी बारिश से शायद ऐसा ना हो, दुकान उकान बंद हो, मिलेगा ना? तो चलते हैं, और आप लोग वीडियो एंड तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। और आदर्श भाई को देखते हैं क्या करते हैं। आदर्श भाई आज कुछ जलवा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? आदर्श भाई दिखाओगे कि नहीं जलवा? पक्का दिखाओगे कि नहीं? एक बार नाचो जरा, रिमझिम सावन आया कैसे लाया है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और देखते हैं अभी कहाँ मिलेगा, कौन से साइड, वो साइड मिलेगा। और ये देखो, ये देखो छाता बंद है, और छाता बंद है। और यहाँ पे देखो पूरा खाली है, रोड खाली है यार, मतलब कुछ भी नहीं। और मैं आप लोग को बता दूं, ये देखो यहाँ पे हम लोग ने एक बार शूट किया था, और अभी देखो पूरे ग्रास उग गए यहाँ पे। लेकिन मौसम काफी अच्छा है, काफी मस्त लग रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। वीडियो आप लोग देखते रहो, मजा आएगा। शाहरुख भाई, एक बार ऐसी बारिश में भीग सकते हो क्या आप? कैसे? अरे ऐसी भीग लो ना। अरे बाप रे बाप। अच्छा हाँ, लेकिन रात में सोने में बहुत मजा है हम लोगों को, इतना मस्त लग रहा था ना, आहा जन्नत। तो चलो मिलते हैं आप लोग को आगे। तो यार आप लोग देख सक रहे होंगे, बारिश इतनी है कि हम लोग को साइड में जाके खड़ा रहना पड़ा। छाता रहने के बाद भी पूरा आधा तो मतलब पूरा आधा भीग चुका हूँ, पूरा भीग गया है। और मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग ने यहाँ पे चिकन बहुत ढूंढा पर चिकन मिला नहीं। तो आदर्श अभी क्या करेगा तू? तू तो हारने वाला है फिर चैलेंज करने की जगह अंडा खाने। यहाँ ये भी चाहिए ना, एक अंडा मतलब एक अच्छी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना, तू बना पाएगा कि नहीं? बना लेगी ना पक्का? अंडा बना लेगा कि नहीं? अरे हाँ भाई, तू जो चिकन की बात किया था, अंडा बनेगा। तो आज देखते हैं, अभी हम लोग लेते हैं अंडा, क्योंकि चिकन तो यहाँ पे दो तीन दुकान हम लोग ने देखा। और बारिश इतनी है ना कि क्या बताऊँ आप लोग को। चाहिए तो मैं एक बार आप लोग को बारिश दिखा देता हूँ। और अभी आता अंडा पक्का डन। तो अभी देखते हैं, और जो है यहाँ जो हमारे सब्सक्राइबर वेजिटेरियन होंगे तो उनको, उनके लिए हम लोग कभी पनीर बनाएंगे तो दिखाएंगे। तो आज थोड़ा मैनेज कर लो। वैसे हम लोग का ये प्लान नहीं है कि हम लोग आपको ये सारी चीज़ें, हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, जो आज बारिश का माहौल है, वो सारी चीज़ें, वो वाला वीडियो आप लोगों ने खेत में चाय बनाई थी। हाँ, थोड़ा वैसा फील ले रहे हैं, कुछ नया यार। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखो। अभी मैं आप लोग को पहले बताता हूँ कि बारिश कितनी, एक बार देख लो। देखो, देख रहे हो इतनी बारिश, बाप रे बाप, बारिश देख रहे हो क्या? ये देखो पूरा नहा लिया ये। ये देखो, ये छाता इतनी बड़ी है, लेकिन किसी काम की छाता नहीं। सोचो हम लोग ये छाते पे तीन लोग थे, और ये भाई को हम लोग ने एक सिंगल छाता दिया। हमने बोला भाई आप सिंगल रहो, अच्छे से रहो, लेकिन फिर भी भीग गए। बारिश देखो ना यार, बेचारे लोग। हाँ, ट्रेन भी पूरा बंद है, और पूरा वाटर लॉगिंग हो गया हर जगह।
वहाँ पे तो पूरा स्विमिंग पूल बन गया था। तो चलो फिर आप लोग को हम लोग मिलते हैं आगे। तो अभी हम लोग घर पे आ गए, आप लोगों ने देख लिया होगा कितना बारिश है। और यहाँ पे देखो प्रियंका कुछ चॉपिंग कर रही है। प्रियंका क्या है ये? कोतम्बिर। और उसके आजू बाजू भी देखो कुछ कुछ चीजें आपको वहाँ पे नजर आती होगी। और ये है अपने आज के शेफ। शेफ कैसे हो? मस्त। इसका पूरा कपड़ा भीग गया था तो इसके लिए इसने चेंज किया। और यहाँ पे मैं बता दूं, ले भाई नमक ले ले भाई, आज देखते हैं आज ये कैसा बनाता है। मेरे को तो लगता है पूरा खराब करेगा, लेकिन मैं बता दूं एक बार दिखा आदर्श। ये देखो हम लोग ने कितना अंडा लाया मालूम है? 30 है ना? यस, बाकी वो बुर्जी, बाकी बुर्जी बनाएगा। तो 30 अंडा है यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे चावल चढ़ रहा है। तो अभी देखते हैं आदर्श अपनी कारीगरी कैसे करवाता है, और देखते हैं फिर। मैडम कैसे हो? नाइस। क्या लगता है ये लड़का बना पाएगा? अच्छा, तो जानने के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए कि ये लड़का बना पाता है कि नहीं। तो अभी हम लोग आप लोग को मिलते हैं आगे। आदर्श नहीं बनाया ना भाई? पक्का ना? देखते हैं आगे क्या होता है रिजल्ट। तो फाइनली हम लोग का जो भी था बनाना वो सारा चीजें हो चुका है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक नंबर। खुद ही बनाया, खुद ही बोल रहा है एक नंबर। एक नंबर, अच्छा एक नंबर। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अभी है ना ये लोग ने खाया है यहाँ पे, प्रियंका अनीता और ये भाई ने भी खाया है। तो सच बताओ कैसा बना है? मस्त बना है। तो अभी मैं भी खाऊंगा, अभी मैं भी खाऊंगा। वैसे देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है ये, और मजा आएगा। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, जब भी मैं ये आदर्श बनाता है, एक बार मैंने घर पे भी खाया था, लेकिन मेरे को ये गारंटी नहीं थी कि वो अंडा भी इतना अच्छा बनाएगा। एक्चुअल हम लोग का प्लान चिकन का हो रहा था जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बट मस्त बनाया। तो देखते हैं अभी और भी थोड़ा खाते हैं, उसके बाद रिव्यू देंगे आप लोगों को। तो वीडियो आप लोग देखते रहो, उसके बाद कुछ हम लोग को करना है वो भी आप लोग को हम लोग बताएंगे। ठीक है आदर्श? हां भाई। क्या बोलता? मस्त ना? जो लड़की आदर्श से शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि उसको खाना बनाना आता है। तो नीचे कमेंट करो किसको शादी करना है, क्योंकि फिर उसको काम नहीं करना पड़ेगा, आदर्श काम करेगा सारा घर का। करेगा ना? हाँ भाई। पक्का? मैं जो रुका गुलाम। तो चलो खाते और फिर मिलते हैं आप लोग को, और मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा। ठीक है, देखते रहो वीडियो। चलिए हम लोग का खाना वाना सारा हो गया। ये देखो आदर्श भाई, मैंने भी खाया, सबने खाया, मस्त। कैसा लगा? मस्त बना था। तो आदर्श ने हम लोग को वादा किया है वो सब्सक्राइबर लोगों को भी एक बार बना के खिलाएगा, कम से कम 5-6 हजार सब्सक्राइबर आएंगे अपने, तो ये पूरा ये दावत लेगा, भंडारा लगेगा। तो अगर किसी को भंडारे में आना है तो फिर ये आदर्श भाई बनाएंगे। हाँ लेकिन अच्छा बना था, अच्छा बना था, मस्त बना था। बोलने के लिए इतना दूर तक उठ गया है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग ने एक छोटा सा प्रैंक किया। ये शाहरुख भाई के इधर हम लोग आए थे, तो यहाँ पे एक मेंटेनेंस वाला रहता है, तो उसके ऊपर हमने प्रैंक किया, और प्रियंका इन लोग ने प्रैंक किया। तो प्रियंका लोग अभी जा रहे हैं। प्रियंका हाँ। जा रहे हो हम लोग को छोड़ने? यस प्रवंस भाई जाना है, तो नहीं अरे देख ये भी जा रहा है, ये पर भाई तो बोल कम से कम। भाई बोल के गया मैं, बाय। तो ये भी जा रहा है इन दोनों लड़कियों को छोड़ने के लिए, और उसके बाद ये भी चला जाएगा। तो अभी ठीक है, रहने देना, उससे क्या है। तो अभी हम लोग इन लोग को अलविदा करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये लोग कब मिलेंगे, कब इन लोग को टाइम मिलेगा, और ये लोग आएंगे फिर। अच्छा कब टाइम मिलेगा इसके बाद? जैसे टाइम मिलेगा वैसे आएंगे। पक्का? यस पक्का ना? और फिर वापस ऐसे ही मस्ती करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, सब चीज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी भाई बैठे हुए शांत। क्या हुआ भाई आपको? पक्का? वो सुधीर आया ही नहीं? सुधीर आया ही नहीं? अभी आएगा सुधीर जल्दी, तो सुधीर आने वाला है। तो चलो फिर इन लोगों को करते हैं बाय बाय, और ब्लॉग की एंड यहीं पे करते हैं। तो आप लोग को मजा। और हाँ मैं आप लोगों को ना उससे मिलाऊंगा जो यहाँ के प्लम्बर थे, मतलब जो मेंटेनेंस संभालते, जिसके ऊपर हम लोग ने प्रैंक किया। वो कुछ भूत ऊत की बातें कर रहे थे, तो हमने बोला कि ठीक है आपके ऊपर नेक्स्ट अलग से ब्लॉग बनाया जाएगा। लेकिन यार ये जो प्रियंका तुमने प्रैंक किया, बहुत कलाकार आदमी था कि नहीं? वो कुछ विचित्र ही था, कुछ अलग ही था, कुछ अलग। ये शाहरुख भाई इसको ये मेंटेनेंस वाला कैसे बना दिया? ऐसे क्यों है वो? अरे भाई वो बहुत हार्ड आदमी था यार, मतलब जिसके ऊपर हम लोग ने प्रैंक किया। पता नहीं आपने देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा तो देख लेना, बहुत विचित्र आदमी था यार, कुछ हटके ही था वो। बाद में जब कैमरा चालू था तब तक तो डरा हो रहा, उसके बाद तो एकदम फ्री हो गया हो। तो हमने बोला ठीक है, अगर तुमको लगता है कुछ ऐसी बात तो हम लोग तुम्हारा व्लॉग बनाएंगे, आप बता देना। तो हो सके तो नेक्स्ट व्लॉग में वो आपको नजर आएगा। तो देखते हैं फिर जो भी होता है, जैसे होता है आप लोग को बताएंगे। इन लोग को करते हैं बाय बाय, टाटा करते हैं, और फिर इस व्लॉग के एंड हम लोग यहीं पे करते हैं। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को दबा के शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जिसका नाम है व्लॉग विजय पवन सिंह। सब यहाँ पे देखो फोन पे लगे हुए हैं। ठीक है, टिल देन वॉच आवर वीडियो, बाय बाय। देखो लेट हो रहा है, इन लोग की गाड़ी नीचे खड़ी है। ठीक है, बाय बाय करो, टाटा बाय बाय। और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलते रहते हैं। बाय बाय टाटा।
तो प्रियंका यहाँ पे रेडी हो चुकी है और प्रियंका के हाथ में कैंडल है और मैं पहले दिखा दूँ, ये देखो पूरा डोर बंद है, यहाँ पे भी बंद है, वहाँ पे भी बंद है, हर जगह बंद है। और प्रियंका आप रेडी हो ना, आपको मालूम है ना क्या करना है आपको? हाँ, मुझे पता।